अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज क्या हुआ कि ना सुबह का टाइम मैं लेट ही उठी थी, मतलब अब छुट्टियां ना बच्चों को, तो लेट उठे थे हम, और जो हाउसकीपर मतलब मेड के आने का थोड़ा सा ही टाइम था। तो मैंने क्या किया कि अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मेरे पास जो है ना बस एक घंटा था। मैंने कहा इस घंटे में जितनी भी क्लीनिंग वगैरह करने वाली है ना बस जल्दी जल्दी से करती हूँ। और मैंने कहा चले अपने यूट्यूब फैमिली को भी जो है ना एक मोटिवेशन देती हूँ कि इस तरह आपके पास अगर कम टाइम हो और काम ज़्यादा होना तो अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज दें कि इस चैलेंज में इस टाइम पीरियड में आपने काम पूरा करना है, तो यकीन करें काम जो है ना वो बड़ी जल्दी हो जाता है, चाहे तो आप टाइमर भी सेट कर लें। खैर, कमरे की और बाहर की आपने हालत देख ही ली, कपड़े कुछ धुले हुए थे तो वो भी पड़े हुए थे, और उसके अलावा जो सुबह उठ के फिर ब्लैंकेट्स वगैरह होता है ना, एक अच्छा खासा जो है ना वो रूम में मेस था। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो मैंने ना सबसे पहले ये चेस्ट ड्रॉर से ही मैंने कहा चलो यहाँ से शुरुआत करती हूँ। यहाँ की चीज़ों को टैकल करना रखना जो है ना वो बहुत इजी है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली सुबह जैसे मेरे हस्बैंड जाते हुए यूज़ करते हैं या हम डेली रूटीन जो है उसमें यूज़ करते हैं, तो वो वाली जो चीज़ें थी ना वो थी। तो बस इधर उधर से जो चीज़ें आई हुई थी उनको उठा के रखा मैंने उनकी जगह पर, और बाकी जो चीज़ें यहाँ रखनी थी उनको उनकी जगह पे मैंने सेट किया, और बाकी इसको मैंने क्लीन कर दिया। ये चीज़ जो है वो हो गई क्लीन। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी टफ जो पार्ट है ना रूटीन का, डेली लाइफ रूटीन का, वो ये है इन ब्लैंकेट्स और ये जो रज़ाइयाँ हैं ना इनको समेटना। एक तो ठंड इतनी है, अच्छा ब्लैंकेट्स फिर तय हो जाते हैं, ये जो रज़ाई तय करना है ना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो बस फटाफट से जो है ना मैंने सबसे पहले इनको तय किया। अच्छा, पहले तो ऐसे होता था कि मैं सबसे पहले ना बेड क्लीन करती थी, मतलब बेड शीट वगैरह चेंज करनी हो या अगर उसको नीट करना हो ना तो मैं वही करती थी, लेकिन अब जब तक ये रज़ाइयाँ और ये कंबल वगैरह ना उठा दिए जाएँ तो यकीन करें और कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जगह तो इन्होंने ही घेरी होती है। खैर, सबसे पहले मैंने इनको उठाया, इनको तय किया, और आज जो है ना मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बस फटाफट से जो है वो बेडशीट भी चेंज की। अच्छा मैंने जो जो चीज़ें मतलब कमरे में जैसे बेडशीट जो चेंज करनी है, जो बिछानी है, वो हर चीज़ ना मैं पहले एक दफ़ा ही ला के रख लेती हूँ ताकि फिर बार बार जो है ना मुझे इधर उधर ना भागना पड़े। इस तरह से क्या होता है कि टाइम जो है ना वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है कि हमें जो चीज़ चाहिए हो हम बस वो अपने पास पड़ी हो और फटाफट से जो है ना बस वो क्लीनिंग हो। और यहाँ पे देख लें, ये जो है ना मेरा छोटा सा जो है ना वो हेल्पर भी मेरे साथ साथ ही लगे हुए थे। अच्छा, अभी ना दोनों बड़े बेटे हसन और शाहान नहीं उठे हुए थे, वो सोए हुए थे, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना और वो अब रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह जो है ना वो देर से ही उठते हैं। तो कुछ मेरे पास टाइम भी था, क्योंकि जब सारे बच्चे उठ जाते हैं ना फिर क्लीनिंग करना, चीज़ों को उठाना बड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। तो अभी ये दोनों छोटे छोटे से थे, साथ हेल्पर भी कह लें और साथ दोनों लगे भी हुए थे अपना, तो बस मैंने कहा जल्दी से जो है ना बस मेड के आने से पहले मैंने क्लीनिंग करनी है, और एक घंटे का जो है ना वो मैंने अपने आप को आज दिया था टास्क। अच्छा, सर्दियाँ होना यकीन करें, सर्दियों में क्लीनिंग करना और ये सारी चीज़ें करना ना, एक तो पहले तो अव्वल तो बिस्तर से निकलने का ना दिल ही नहीं करता, और फिर जब निकल भी जाए ना तो एक तो पानी इतना ठंडा और सर्दी इतनी लग रही होती है ना कि बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा कि या तो जो है आप एक टाइमर लगा लें, या फिर जो है ना अपने आप को टारगेट दें कि इतने बजे तक जो है ना आपने सारा काम अपना कंप्लीट करना है। तो मैंने भी आज कुछ ऐसा ही किया, इसीलिए जो है ना मैंने टाइटल में इसका पावर आ रखा है स्पीड क्लीनिंग आप कह लें। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी, मैंने जो ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड किए थे उनको ना मैं फ़िलहाल उठा के यहाँ रख देती हूँ स्टूल पे। अच्छा, आज क्या हुआ, मैंने ना क्लीनिंग वगैरह तो कर ली, उसके बाद ना फिर क्या हुआ मैं आगे आपको बताती हूँ कि दोबारा से जो है ना मुझे वो सारी सफाई करनी पड़ी। यानी कि ये घंटा तो लगा ही लगा, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर दोबारा से क्यों क्लीनिंग की मैंने वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है ना अब कपड़े सारे थे, मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, जो नहीं ड्राई हुए उनको मैंने कहा दोबारा बाहर डाल दूँगी। सर्दियां हैं ना तो कपड़े तो ऐसा लगता है जैसे यकीन करें ड्राई ही नहीं होते। तो ये जो कपड़े हैं ना ये भी दो तीन दिन पहले के ही वॉश हुए हुए थे, तो फाइनली ये हो गए थे ड्राई। और मैं ना कपड़े हमेशा रखने से पहले ना सेपरेट सेपरेट पाइल बना लेती हूँ, जैसे बेटी के कपड़ों का अलग, बेटों के कपड़ों का जो है वो अलग से बना लेती हूँ। इस तरह ना मेरे लिए हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो वाली साइड, बेड वाली साइड, बेड के कॉर्नर वाली साइड, वो सारी हो गई क्लीन। उसके बाद जो है ये डे बेड की बारी आती है। अच्छा, इसको रखने से ना बड़ी एक तो सहूलत हो गया कि बच्चे इस पे बैठ जाते हैं तो बेडशीट जो है ना वो काफ़ी हद तक नीट रहती है, वो गंदी नहीं होती है, बच्चे यहीं बैठ जाते हैं, यहीं खेलते रहते हैं ना। तो इसको भी बस क्लीन कर लूँगी और इसको बस फटाफट से जो है वो झाड़ पहुँच के तकिए शकिए सारे इसके ऊपर भी सेट कर दूँगी। तो ये काम जो है ना वो मेरा हो गया क्लीन, यानी कि ये काम हो गया मेरा डन।
और अभी भी मेरे पास काफ़ी हद तक जो है ना वो टाइम था। उसके बाद मैं आ गई बाहर। अब यहाँ से भी मैं देख लूँगी कि जो कपड़े ड्राई होने वाले थे, मैं ना जब कपड़े थोड़े बहुत ड्राई हो जाते हैं तो मैं उनको उठा के ना फिर यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ से ना फिर वो मतलब ड्राई हो जाएंगे तो मैं उठा लेती हूँ। और यहाँ आप देख लें कि बच्चे भी जो हैं वो दोनों भी उठ गए थे, तो इनके भी बस अब भूख लग गई थी कि फटाफट से ना नाश्ता दे दो। अच्छा, मेरे बच्चों को ना ये आदत मैंने डाली हुई है शुरू से, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मेरे बच्चे उठते साथ ही ना नाश्ता उनको लाजमी चाहिए होता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह नाश्ता जो है ना वो बड़े शौक से करते हैं। अच्छा, बाकी दिन में वो इतने शौक से नहीं खाएंगे, मतलब दोपहर का खाना तो कम ही खाएंगे क्योंकि हम रात को ना फिर जल्दी खा लेते हैं, और आजकल वैसे ही नाश्ता करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, जैसे 12-1 तो बज ही जाते हैं ना, तो दोपहर में बिल्कुल भूख नहीं लगती है, डायरेक्ट जो है ना फिर रात का खाना खाते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि नाश्ता जो है ना मैं इनको अच्छे से करवा दूं ताकि दिन जो है ना सारा वो गुजर जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, हल्की फुल्की सी मंचिंग वगैरह जो है ना वो चलती रहती है। तो बस आज गैस आ रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं पराठे बना देती हूँ, तो गैस का भी ना कोई पता नहीं होता, कभी आती है कभी नहीं आती ना, तो आज गैस थी, मैंने कहा चलो आज आप लोग ना पराठे खा लो। ये है कि मैंने आज क्लीनिंग भी करनी है और मैंने एक दो काम और भी करने थे, मैंने कहा इनका जो पेट है ना वो भरा रहेगा। अच्छा, आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को आगे बता रही थी, वो ये हुआ कि जहाँ पे आपने अभी देखा ना डे बेड मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे ना रात को बहुत ठंडी हवा आती है क्योंकि मेरा जो रूम है ना उसके साइड पे जहाँ फ्रिज पड़ा है ना उसके बैक पे ना ओपन जगह है, विंडो सी ओपन है, तो उसको ना कवर नहीं, मतलब वो कवर नहीं हो सकती है, फ्रिज के लिए भी कुछ रखी हुई है, तो वहाँ से ना रात को बहुत हवा आती है क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना तुम ऐसा करो कि बेड का जो मतलब साइड है ना, यानी कि बेड की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दो और उसके साइड पे डे बेड रख दो। वो मैं अभी आपके आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना मैंने रखा था। तो यहाँ पे जो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए थे उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। अच्छा, ये रूम में रखने से ना काफ़ी हद तक सहूलत होगी है कि छोटे मोटे जो कपड़े हैं ना काफ़ी वो आ जाते हैं। और सेकेंडली ना मेरे पास, मतलब मैंने रात को ही जो चने भिगो दिए थे, मुझे था कि मैंने आज सुबह चने बनाने हैं, तो जैसे जैसे मैं क्लीनिंग भी कर रही थी ना ये टास्क भी मैंने साथ ही कर दिया था। अच्छा, कोशिश मेरी यही होती है कि हेल्पर के आने से पहले ना मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह भी करवा दूं ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए और मैक्सिमम हद तक जो है ना वो सारे काम जो हैं वो कम्प्लीट हो जाएँ। तो बस देख लें, जो पहले के धुले हुए बर्तन थे वो सारे मैंने उठा दिए थे, काउंटर टॉप्स वगैरह सब क्लीन कर दिया था, अब बस ये नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे ये धोने वाले थे। शुद्ध के माँ को तेल है, माँ उठा रही है, माँ भी उठा रही है। उसके बाद ना मैं नीचे आ गई बच्चों के रूम में, मैंने कहा चले इनका रूम भी क्लीन करती हूँ, बेड की डायरेक्शन इनकी भी चेंज करती हूँ। लेकिन जब मैंने बेड हटाया तो मुझे पीछे से क्या क्या सरप्राइजेस मिले ये आपने देख ही लिया है। मतलब इन्होंने रात को बैठे रहते हैं ना, देर तक जागते रहते हैं, तो जो कुछ खाते हैं ना उसका रैपर इन्होंने फेंके हुए थे, वो इस तरह होता था कि बेड के पीछे चले जाते थे और नज़र ही नहीं आते थे। तो वो तो अच्छा खासा जो है ना इनके रूम से भी गंद निकला कि यकीन करें मैं भूल ही गई कि मैं जो हूँ वो वीडियो शूट कर रही थी और यहीं पर जो है ना मेरा 1 घंटा यहां लग गया। तो जो टास्क मेरा था ना मेन, वो ऊपर की क्लीनिंग का था, वो तो हो गया, और जो मतलब मेड के आने से पहले। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे न्यूज़ मिली कि मेड नहीं आ रही, सारा काम जो है वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो है ना कहा चलो अब खैर है, जहाँ 1 घंटा का टास्क था वो तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब बाकी काम भी करती हूँ। तो नीचे का रूम हो गया क्लीन, और यहाँ देख लें कि बेड की डायरेक्शन को मैंने किस तरह से जो है वो चेंज कर दिया है। मतलब अब बेड की डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह से कर दी है। अच्छा, इस तरह ना बेड रखा हुआ अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन से क्या होता है कि जो आगे वाली जगह है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मतलब बेड दूसरी डायरेक्शन में पड़ा होता है ना तो बड़ा ओपन सा रूम लगता है। खैर, ये देख लें साइड पे जो है मैंने डे बेड रख दिया है और इस साइड पे जो है वो बेड आ गया, मतलब दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे हो गई हैं। और इस तरफ फिर मैंने ये स्टूल्स रख दिए हैं कि बैठने के लिए, और नीचे फिर मैंने वो ब्लैंकेट बिछा के ऊपर चादर बिछा दिया क्योंकि कारपेट अब धोने की बिल्कुल मुझ में ना हिम्मत नहीं है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल ना यकीन करें कि हिम्मत ही नहीं होती कि ठंडे पानी में जाया जाए। तो बस रूम वगैरह यहाँ सारे क्लीन हो गए। और अगर स्टिल आप अभी तक जो है वो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी से जाएं और मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और अगर मेरे चैनल में न्यू है ना तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा है ना तो वो भी आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो फाइनली देखें, रूम जो है वो क्लीन हो गया, सफाई वगैरह यहाँ की भी हो गई थी, किचन भी नीट हो गया था। ये देखें किचन के जो बर्तन हैं वो भी धुल गए और जो चने मैंने रखे हुए थे वो भी बॉयल हो गए। बस आज जो है मैंने फिर
चनों वाला जो पुलाव है ना वही बनाना था, तो वो जो है वो काम तो होगा बाद में। और दूसरी तरफ बाहर कॉरिडोर जो है वो भी नीट हो गया, बच्चों का रूम आपने पहले देख लिया, तो फाइनली जो है ना सारे घर की सफाई हो गई थी और इतना मुझे कोई सुकून मिल रहा था ना, और देख के इतना अच्छा लग रहा था ना साफ साफ, वैसे ही रूम देख के तो इंसान को बड़ी खुशी होती है। तो अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो साइड वॉल पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये हमने रखा हुआ सिलेंडर के साथ जो लगाया हुआ ना चूल्हा वो है, तो इसकी ये बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, क्योंकि नीचे होता था ना तो मुस्तफ़ा का ज़्यादा डर होता था, अब ये है कि ये आराम से यहाँ हैंग कर देती हूँ, तो देखने में अच्छा तो नहीं लगता लेकिन बच्चों की सेफ्टी जो है ना वो यकीन करें बहुत इंपॉर्टेंट है, तब बच्चों की सेफ्टी से आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छा, आजकल जैसे ठंड है ना तो रात को मेरा ऐसे दिल हुआ, मैंने कहा ये क्लिप ना रात की है कि सेवियाँ बनाती हूँ, काफ़ी देर की ना पड़ी हुई थी मेरे पास, ये ना मोटी वाली सेवियाँ, तो ये ना मैं पानी दूध में डाल के रख देती हूँ और अच्छी तरह ये पकती रहती हैं, यकीन करें कि दूध जो है ना वो आधा हो जाता है, तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।